Hello everyone, I am Satyam Singh. I have cleared SBI PO 2019 and I am here on Unfiltered Opinions by an initiative by an academy. So I'll answer few of the questions, okay? The first one is, which is the toughest among all the banking exams? My recording, SBI is the toughest. The second question makes the sense, what makes SBI the toughest? Because SBI may वैकेंसीज बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. IBPS में भी है, पर सिंस वहाँ वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आती है तो इस वजह से SBI टफेस्ट हो जाता है, बन जाता है अपने आप ही. व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्लियरिंग एन बैंकिंग एग्जामिनेशन? कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस. बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 6-7 महीने चाहिए. मैक्सिमम तो बहुत टाइम भी लग सकता है, पर मिनिमम 6-7 महीने चाहिए. तो 6-7 महीने आपका कोई भी हॉलीडे, कोई भी संडे नहीं होना चाहिए. यू शुड बी कंसिस्टेंट. टॉप 3 मिथ्स अबाउट बैंकिंग एग्जाम. टॉप 3 मिथ्स आर, रीजनिंग बहुत टफ है, नहीं कर सकते, जो कि गलत बात है. इंग्लिश में ग्रामर बहुत पढ़नी पड़ेगी, सिनोनिम टर्म्स करने पड़ेंगे, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता. और थर्ड वन इज कि मैथ्स के लिए आपको मैथ्स बैकग्राउंड होना चाहिए, या बीटेक वाले ही क्लियर कर रहे हैं आजकल, या ऐसा कुछ कुछ नहीं होता. आर्ट्स वाले, साइंस ग्रेजुएट्स भी क्लियर कर रहे हैं एग्जाम. ओके, व्हाट्स द टफेस्ट, सॉरी, एज अ टॉपर व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू नो एंड अदर्स माइट नो? एक चीज़ जो मुझे पता है और बाकी लोगों को मुझे लगता नहीं पता है, वो ये है कि आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए. एवरीवन नोज कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है क्या, पर आपको क्वेश्चंस छोड़ना आना चाहिए. यू नो हाउ टू स्किप द क्वेश्चन, विच क्वेश्चंस टू स्किप. सो ट्राई टू डेवलप दैट क्वालिटी कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है. व्हाट्स द टफेस्ट स्टेज इन बैंक यू एग्जाम? एवरी स्टेज इज टफ, और हर स्टेज आपका अलग कैपेसिटी, अलग एबिलिटी चेक करता है. प्री इज फॉर स्पीड, मेन्स इज फॉर कॉन्सेप्ट, एंड इंटरव्यू इज फॉर पर्सनैलिटी. हर स्टेज की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे आई कॉन्ट जस्टिफाई कि कौन सा स्टेज टफ होगा. हर स्टेज अलग अलग लेवल पर अपने हिसाब से टफ या ईजी है. Is the bank job very hectic? Every job is very hectic if you are doing it honestly. Even UPSC officer, IAS officers ki job bahut hectic hai. Political leaders ki job bahut hectic hai. Cricketers, Bollywood stars ki job bahut hectic hai. To sabki job bahut hectic hoti hai. Kisi bhi job mein aapko relief, bahut aaram nahi mila. Agar aapko grow karna hai, to work or life mein se ek cheez choose karni hogi. If you want to maintain the work-life balance, then don't think for having an Audi. If you want to have an Audi, then you have to sacrifice one thing. So, are there any hacks to crack a bank exam? The only one hack is keep working hard. And that hack is for every field. Not only bank examination, if you want to do well in anything, you have to keep working hard. Give your best, daily analyze. अपने डे को एनालाइज करो. आपने पूरे दिन में जो किया है, रात को सोने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले फ़ोन को साइड में रख के अपने आप से पूछो कि आज पूरे दिन में मैंने जो किया, is that sufficient for my goal? टू अचीव माई गोल. अगर आपके मन से आंसर आता है कि हाँ आज आपने बहुत मेहनत करी है, यू आर ऑन राइट पाथ. इज इट वर्थ क्रैकिंग बैंक यू एग्जाम? या सी, आई एम हेयर, यू विल गेट सो मच अटेंशन, सो मच इंपॉर्टेंस, कॉल्ड ऑन सच ह्यूज प्लेटफॉर्म लाइक एन अकेडमी. सो इट इज़ वर्थ टू क्लियर सच बिग एग्जाम. वाई आर सो मेनी पीपल राइटिंग बैंक यू एग्जाम? एक सेम एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज़ वर्थ टू राइट बैंक यू. बिकॉज एक अच्छा करियर स्टेज, 21 साल की उम्र में आपको एक इतनी बड़ी ब्रांच में जहां आप करोड़ों रुपए मैनेज करोगे को मौका मिलता है. और सबसे बड़ा, सबसे अच्छी क्वालिटी वो होती है जिसे अपना पैसा मैनेज करने आता है. यू विल लर्न हाउ टू मैनेज योर इनकम, योर मनी. सो ये बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है, यू विल डेवलप इट इन बैंकिंग. सो इसलिए बहुत अच्छी फील्ड है ये. व्हाट रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड द बाइबल फॉर बैंकिंग एग्जाम? मॉक टेस्ट. आई से मॉक टेस्ट. Keep working on mocks, keep giving mocks, keep analyzing them. Those are the only bibles for bank PO exams. GA, cons, reasoning or English, which is the toughest section? I will say English for those people who are from Hindi medium background or very weak in English. But for others, those who are not from maths background, the cons is the toughest one. Is it possible to score 30 plus in the GA section? Yes, it is. I have a score 33 marks in GA of SBI PO. So it is possible. Just the key is keep working. मैंने ये GA वाली strategy अपनी CTWT की video में भी share करी है. You can refer to that. I have clearly explained कि आपको किस तरीके से GA पढ़नी है.
शुड वी रीड द न्यूज़ पेपर एवरी डे फॉर बैंक एग्जाम? नॉट नेसेसरी. बहुत लोग एडवाइस करते हैं न्यूज़ पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, आपको अच्छा लगता है तो पढ़ो, नॉवेल पढ़नी पसंद है वो पढ़ लो, इंग्लिश मूवी देखनी पसंद है वो देख लो, सब टाइटल के साथ देखो ताकि पढ़ो. पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पढ़ो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि एडिटोरियल ही पढ़ो. क्या पता आपका पॉलिटिक्स की तरफ इन्फ्लुएंस ना हो, एडिटोरियल में हर दूसरे दिन पॉलिटिकल न्यूज़ आएगी तो क्यों पढ़नी है ऐसी चीज़. जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ो, चेतन भगत पढ़ लो, लेकिन कुछ पढ़ो. What are the major differences in bank PO and clerk? Bank PO, आप एक जॉब ऐसी है जिसमें आपके पास एक रोल होगा, यू हैव टू मैनेज थिंग्स. बैंक क्लर्क कंपेरेटिवली थोड़ी ईजी जॉब है, जिसे आप हम कहते हैं ना हैक्टिक. तो बैंक PO हैव अ हैक्टिक जॉब, बैंक क्लर्क इज़ फाइन. मतलब आपका 5:30 बजे तक आप आराम से अपने घर जा सकते हो और अपने लाइफ इजीली रह सकते हो. पर वही डिफरेंस ये भी है कि सैलरी का भी डिफरेंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी डिफरेंस है. व्हाट आर द पर्क्स दैट अ बैंक PO एंजॉयज? पर्क्स तो बहुत है, बट आई थिंक इन 21st सेंचुरी सैलरी डजेंट मैटर. पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, आप बहुत तरीक़ों से पैसे कमा सकते हो. तो पर्क्स नहीं मैटर करते हैं, मैटर करता है ग्रोथ. 21 साल 22 साल 23 साल में आप बैंक PO क्लियर करो, अपनी एक एज में जाकर के आप SBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन के MD या चेयरमैन बन सकते हो. तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग विच यू कैन अचीव वाइल डूइंग बैंकिंग. आई डिडंट क्लियर माई एग्जाम दिस टाइम, वॉट शुड आई डू नाउ? शुड कीप वर्किंग हार्ड, ताकि आपको कोई मतलब एक मोटिवेशन रखो. इस बार क्लियर नहीं हुआ, बैंकिंग के इतने सारे एग्जाम आते हैं हर एक महीने बाद, नेक्स्ट टाइम होगा, होगा ज़रूर. बस कीप डूइंग राइट थिंग. What are the key responsibilities of bank PO? Key responsibilities, what I know is to manage the things, to work whatever your seniors. आपको training मिलेगी, आपको आपके seniors रहेंगे guide करने के लिए, they will guide. और आप accordingly अगर adjust hard working होगे तो आप कर लोगे बहुत आराम से. I have such faith. How does a bank PO affect the life of the general public? Banking is everywhere because money is everywhere. So a bank PO is important for day-to-day life. How did your day go after you got selected as a bank PO? It was 18th October 2019, around 9:30, I got the result. So after that, aaj tak, matlab till today, I'm feeling like I'm so important. मतलब आपको ना एक existence नहीं पता होती अपनी life की कि आप क्यों exist कर रहे हो. उस दिन के बाद I know कि मैं क्यों exist कर रहा हूँ, कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं क्या achieve करना चाहता हूँ. I have so many things clear. तो डे बहुत अच्छा था, बहुत अटेंशन मिल रही थी, रिलेटिव्स के कॉल, ऐसे दोस्त ऐसे रिलेटिव्स जिनसे 5 साल तक बात नहीं हुई थी, सामने से उनके कॉल आते थे, हेलो बेटा कैसे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली करके देखो, बहुत अच्छा लगता है. सो फ्रेंड्स, दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको आंसर किया. मैंने कोशिश की कि सारे क्वेश्चंस का जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आंसर कर सकूं. आई होप आपको आप इन आंसर से सेटिस्फाई हो गए. मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताई हैं क्लियरली. और आपको डिटेल में जानना है तो मैंने CTWT पर अभी इंटरव्यू दिया है, आप वो इंटरव्यू रेफ़र कर सकते हो. वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करी है अंकुश सर के साथ. और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. मोटिवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हार्डवर्क करते रहो, डेली अपने आप को एनालाइज करते रहो और अपने गोल के लिए पैशनेट हो जाओ बिल्कुल. मतलब सेक्रीफाइस लगेंगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट वो सेक्रीफाइस वर्थ होंगे जब आपके माँ बाप आपको बहुत खुशी में गले लगाएंगे. तो कीप डूइंग हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन प्राउड. थैंक यू.